मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, ये हमारा सामाजिक भी दायित्व है, ये हमारा पारिवारिक दायित्व भी है और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही हैं। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती है क्या? उसमें कहता, मैंने उसको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही, तो उनके लिए अतिरिक्त था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अधिगम योजना, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं।